हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल पर्वत सर एंड वी आर स्टडीइंग अवर साइंस बुक ऑफ क्लास सिक्स इन दिस वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी साइंस की बुक जो कि है क्लास सिक्स के लिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड अवर सेकेंड लेसन इन अवर प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा सेकेंड लेसन कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के अवयव। भोजन किन किन चीजों से मिलकर बनता है, भोजन में क्या क्या होता है, फूड के कंपोनेंट्स क्या है, इसके बारे में वन वीडियो में आपको दे चुका हूं एंड इट इज द सेकंड वीडियो। और आज का ये वीडियो सेकंड वीडियो है इस लेसन का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के अवयव। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज किन किन चीजों से मिलकर के बनती है, वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और यहां हम पढ़ रहे हैं फूड के कंपोनेंट्स के बारे में, यानी भोजन किन किन चीजों से मिलकर के बनता है वो फूड के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी टू, ऑब्जर्व द गिवन पैकेट। दिए गए पैकेट को ऑब्जर्व करें। यहां पर एक पैकेट दिया गया है, देखिए ये है कोई आयरिश स्प्रे स्किम्ड मिल्क पाउडर, ऐसा कोई मिल्क पाउडर का ये एक पैकेट दिया गया है। इसको ऑब्जर्व करना है, इसको ध्यान से अध्ययन करना है इसका। ऑब्जर्व द गिवन पैकेट, दिए गए पैकेट को ऑब्जर्व कीजिए एंड लिस्ट आउट और सूची बनाइए द फूड कंपोनेंट्स, भोजन के कंपोनेंट्स की यानी भोजन के अवयवों की, प्रेजेंट इन इट, जो इसके अंदर प्रेजेंट है। इन टेबल वन, इन टेबल वन पुट ए टिक मार्क। और टेबल वन जो यहां पर दी गई है, एक टेबल यहां पर अपने को मिलेगी। इन टेबल वन, टेबल वन में पुट ए टिक मार्क, एक टिक मार्क लगाना है। इफ यू फाइंड, यदि आप पाते हैं द लिस्टेड फूड कंपोनेंट्स, जो आपने लिस्ट बनाई है फूड कंपोनेंट्स की, जो इस पैकेट के अंदर फूड कंपोनेंट्स दिए गए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए इसमें हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन, मेड फ्रॉम फ्रेश मिल्क, नो प्रिजर्वेटिव्स, ये ऐसा लिखा हुआ है यहां पर। तो इसमें जो मिल्क पाउडर आता है उसमें क्या क्या चीज, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी अपने को लिस्ट बनानी है और इस टेबल को फिल करना है उस लिस्ट के बेसिस पर। कि उस लिस्ट में, इस टेबल में जो जो चीजें यहां पर दी गई है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मिल्क पाउडर में कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, प्रोटीन है क्या, फैट है क्या, विटामिन और मिनरल्स है क्या, अदर कोई आइटम है क्या उसमें, इसी तरह फिर और दूसरी चीजों के बारे में भी हमें टिक मार्क करना है। तो यहां पर हमें मिल्क पाउडर दिया गया है ये पैकेट, तो यहां पर उसी के बारे में लिखा गया है। इन टेबल वन पुट ए टिक मार्क, इस टेबल वन में एक टिक मार्क लगाएं। इफ यू फाइंड, यदि आप पाते हैं द लिस्टेड फूड कंपोनेंट्स, जो लिस्ट जो यहां जो आपने सूची बनाई है फूड कंपोनेंट्स की, वो अगर आप पाते हैं प्रेजेंट यानी उपस्थित इन द ऑब्जर्व्ड फूड आइटम्स, जो ऑब्जर्व्ड फूड आइटम्स है जो आपने देखे हैं उस पैकेट में, जो आपको लिस्ट मिली है उसके अंदर अगर आपको ये लिस्टेड जो फूड आइटम है ये आपको मिलते हैं, अगर पैकेट के ऊपर जो फूड आइटम या फूड कंपोनेंट छपे हुए हैं, वो कंपोनेंट अगर इस लिस्टेड फूड कंपोनेंट में छपे हुए हैं, तो उसमें टिक मार्क आपको लगाना है। कलेक्ट सम अदर फूड पैकेट्स, और इसी तरह से ये जैसे यहां पर तो मिल्क पाउडर का पैकेट दिया हुआ है, ऐसे ही कुछ और फूड पैकेट्स आपको कलेक्ट करने हैं एज वेल, यानी इसी तरह से, लाइक दोज ऑफ चिप्स, इस तरह की चीजें हो सकती है, इस तरह के पैकेट आप कलेक्ट कर सकते हैं। चिप्स हो गया, मिल्क हो गया, जूस है, दाल है, एटसेट्रा, ऐसे कुछ फूड पैकेट आपको इकट्ठे करने हैं। एंड आइडेंटिफाई, और पहचानिए द डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए, प्रेजेंट इन देम, जो उनमें प्रेजेंट हैं, एंड रिकॉर्ड देम, और उनको रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए उनको, दस्तावेज में लिखिए, इन द टेबल गिवन बिलो, जो नीचे टेबल दी गई है उसमें इनको रिकॉर्ड करना है। यहां पर एक टेबल वन दी गई है, फूड आइटम्स एंड कंपोनेंट्स,
इधर फूड आइटम दिए गए हैं और आगे उनके कंपोनेंट्स के नेम्स दिए गए हैं। तो कौन से फूड आइटम में कौन कौन से कंपोनेंट है तो राइट मार्क करना है, नहीं है तो क्रॉस मार्क करना है। तो यहां पर एक टेबल है, इसको हम फिल करेंगे। फूड आइटम्स मिल्क पाउडर तो ये दे ही रखा है यहां पर। इसके अलावा हमने एक ले लिया चिप्स का पैकेट, एक ले लिया दाल का पैकेट, एक ले लिया जूस का पैकेट। इनके ऊपर उनके कंपोनेंट्स लिखे रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं उनको। तो कंपोनेंट्स की लिस्ट बनी हुई रहती है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं। चिप्स के ऊपर भी एक लिस्ट बनी हुई आती है कि इस चिप्स में कौन कौन सी चीज कितनी मात्रा में है, ये वहां पर लिखा हुआ आता है। तो यहां पर आप जब जस्ट तो यहां पर जब आप देखेंगे तो उसमें आपको लिस्ट में पता लग जाएगा कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। उसी बेसिस पर अपन यहां पर राइट मार्क यानी टिक मार्क या क्रॉस मार्क करेंगे। सबसे पहले मिल्क पाउडर में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट यानी वसा या लिपिड्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, और अदर इसमें क्या होता है तो फाइबर भी होते हैं इसमें। तो ये आपको अगर आप देखेंगे मिल्क पाउडर का जो डिब्बा आता है उस पर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें मिल जाएगी। चिप्स के पैकेट पर अगर आप देखेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है लिस्ट में, प्रोटीन नहीं है लिस्ट में, फैट भी लिस्ट में नहीं है, विटामिन और मिनरल जरूर है, विटामिन सी होता है, और अदर में फाइबर वहां पर लिखे हुए हैं लिस्ट में। हालांकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है पर लिस्ट में नहीं है, फैट भी होता है क्योंकि वो तले हुए होते हैं तो वो फैट भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट में जो आइटम है उसके बेसिस पर हमने इसको किया है। दाल में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन और मिनरल नहीं होते हैं, और फाइबर होता है। जूस में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट नहीं होता, विटामिन और मिनरल होते हैं, और फाइबर होता है। तो इस तरह से आपको अपनी बुक में ये टेबल फिल करनी है। यू हैव नॉट टू नीड टू डू दिस टेबल इन रिटन वर्क। आपको ये जो टेबल है वो रिटन वर्क में करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ये जो टेबल है ये बुक में ही फिल करनी है। सो वी हैव टू गो इन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज में स्टार्ट चलते हैं। Now answer the following questions. अब इन questions के answer दीजिए, ये आपको जरूर करने हैं अपनी notebook में। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये पहला written work होगा शायद इस lesson का, तो आप lesson का number और name जरूर mention करें। Lesson number 2 components of food, ये lesson का number और name आप mention करें new page से, और फिर उसके बाद में ये आप question लिखें। Now answer the following questions. अब इन questions के answer दीजिए। Question number 1. Which components यानी कौन सा component, कौन सा अवयव found in chips, chips में पाया जाता है, कौन से components chips में पाए जाते हैं। तो हमने इधर लिखा है तो उसमें vitamins and minerals, तो ये आपको इसमें लिखना है। तो chips में जो है vitamins, minerals, देखिए हमने chips में क्या क्या पाए जाते हैं, तो चिप्स में पाए जाते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फाइबर्स, विटामिन मिनरल एंड फाइबर्स, ये आपको लिखना चाहिए। यहां पर फाइबर आप पहले लिख दें भले ही, एफ आई बी ई आर, फाइबर, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये तीन चीजें इसमें चिप्स में पाई जाती है, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये आपको इसके आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कंपोनेंट्स आर मोस्ट कॉमन, कौन से कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा कॉमन है यानी ज्यादातर जगह पाए जाते हैं इन योर लिस्ट, आपकी लिस्ट में, आपने जो लिस्ट है अपनी यहां पर इसमें, या आपने जो लिस्ट बनाई है, तो ज्यादातर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कॉमन है यानी ज्यादातर चीजों में पाया जाता है, तो वो आपको लिखना है फाइबर, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं हर पैकेट के ऊपर जो लिस्ट बनी हुई है उसमें फाइबर का नाम जरूर लिखा हुआ है, तो फाइबर जो है वो कॉमन है सब में, तो आपको इसके आंसर में लिखना है केवल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन आंसर, डोंट फॉरगेट इट, इसको भूले नहीं कि आपको हर क्वेश्चन आंसर के बाद एक लाइन ब्लैंक लीव करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू फाइंड एनी विटामिन्स एंड मिनरल्स इन देम, क्या आपने पाया है कोई विटामिन और मिनरल्स इन देम यानी उनमें, क्या आपने उनमें कोई विटामिन और मिनरल पाया है।
आपने अपने विटामिन और मिनरल पाया है। यस वी फाउंड विटामिन एंड मिनरल इन, ये आपको आंसर लिखना है जो मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं। यस वी फाउंड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन, यस वी फाउंड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन, किसमें पाया है? एक तो विटामिन और मिनरल पाया है हमने, यहां पर देख सकते हैं आप, विटामिन और मिनरल मिल्क पाउडर में और एक जूस में, तीनों में और चिप्स में। मिल्क पाउडर, चिप्स एंड जूस इन, मिल्क पाउडर जूस एंड चिप्स, तो ये आंसर आपको लिखना है। यहां पर जो क्वेश्चन था, डू यू फाइंड एनी विटामिन्स एंड मिनरल्स इन देम, क्या आपने कोई विटामिन और मिनरल उसमें पाया है? यस वी फाउंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, हाँ हमने पाया है विटामिन्स और मिनरल्स इन मिल्क पाउडर जूस एंड चिप्स, हमने विटामिन और मिनरल पाया है मिल्क पाउडर में, जूस में और चिप्स में। और फिर इसी में लिखा है जो नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, व्हाट आर दे, वो क्या है? तो आप यहां पर देख सकते हैं विटामिन सी हमने पाया है। तो लास्ट में आपको फिर लिखना है वी फाउंड विटामिन सी, यहां पर इसके लिए लिखना है वी फाउंड विटामिन सी इन देम, वी फाउंड विटामिन सी इन देम, हमने विटामिन सी पाया उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू यू राइट साल्ट एंड सुगर, कहां आप लिखते हैं नमक और चीनी, आप नमक और चीनी कहां लिखते हैं? तो आपको लिखना है यू की जगह वी लिखना है, वी राइट, हम लिखते हैं साल्ट एंड सुगर, साल्ट और सुगर हम लिखते हैं ऑन द कंटेनर्स, यानी कंटेनर्स पे यानी डिब्बों पे लिखते हैं हम, वी राइट हम लिखते हैं साल्ट एंड सुगर यानी साल्ट यानी नमक और चीनी हम लिखते हैं ऑन द कंटेनर्स, यानी कंटेनर्स पे यानी डिब्बों पे, ये तो हो गया एक आंसर। फिर लिखा हुआ एक वाई, तो फुल स्टॉप के बाद आंसर में लिखना है बिकॉज साल्ट एंड सुगर आर सेम इन कलर, क्योंकि साल्ट और सुगर कलर में सेम होते हैं, तो इसलिए हम डिब्बों पे कंटेनर पे साल्ट और शुगर लिखते हैं। तो ये दो आंसर, दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, तो उनके दोनों के आंसर हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर एनी फूड आइटम्स, क्या कोई ऐसे फूड आइटम्स हैं विद सिमिलर कंपोनेंट्स, एक जैसे कंपोनेंट्स वाले फूड आइटम है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर फूड आइटम में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक ही प्रकार के कंपोनेंट्स रखने वाले फूड आइटम नहीं होते हैं। सो वी हैव टू राइट नो, इसलिए हमें लिखना है नो, नो आप लिख सकते हैं नो, फिर आप क्वेश्चन से ही आंसर बना सकते हैं, नो देयर आर नॉट, या नो लिख सकते हैं नो देयर आर नो फूड आइटम्स विद सिमिलर कंपोनेंट्स, ये आपको आंसर में लिखना है कि नहीं, कोई सिमिलर कंपोनेंट्स वाले फूड आइटम्स नहीं होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस जो यहां पर दिए गए हैं उनके आंसर आपको इस तरह से लिखने हैं जैसा मैंने आपको बताया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, डू ऑल फूड आइटम्स टेस्ट अलाइक, अलाइक यानी होता है एक जैसा, डू हेल्पिंग वर्ब है, जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है तो क्या बन जाता है, क्या ऑल फूड आइटम्स यानी क्या सभी फूड आइटम्स टेस्ट यानी स्वाद में लगते हैं अलाइक यानी एक जैसे, क्या सारे फूड आइटम्स स्वाद में एक जैसे लगते हैं? तो बिल्कुल नहीं लगते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये यूं ही पे ओरली पूछा गया है तो हमने ओरली बता दिया, नहीं सारे फूड आइटम्स एक जैसे नहीं होते हैं, फूड आइटम्स वेरी यानी अलग अलग होते हैं, फूड आइटम्स वेरी यानी फूड आइटम्स यानी खाने की चीजें अलग अलग होती है इन देयर टेस्ट, उनके टेस्ट में। अब यहां पर इन्होंने खुद नहीं बोल दिया है कि खाने की चीजें वेरी करती है यानी अलग अलग होती है टेस्ट में फॉर टू रीजंस, उसके दो कारण है,
खाने की चीजों का स्वाद टेस्ट अलग अलग होता है, उसके टू रीजंस हैं, दो कारण हैं। द वे, एक तो क्या कारण है, द वे यानी वो तरीका, दे आर कुक्ड, जिससे वो पकाए गए हैं, यानी जिस तरीके से उनको पकाया गया है उससे भी खाने की चीजों का स्वाद बनता है। और दूसरी चीज होती है एंड और वॉट दे कंटेन, और उनके वो रखते क्या हैं, यानी उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। दो प्रकार के रीजन के से किसी का टेस्ट बनता है, एक तो किस तरह से उसको कुक किया गया है यानी पकाया गया है, सेकंड कि वो क्या कंटेन करता है यानी उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। ये दो चीजें होती है जो कि किसी भी फूड आइटम का टेस्ट बनाती है। फ्रूट जूस टेस्ट स्वीट, यानी इनका जो फ्रूट का जूस का टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, मीठा होता है, बिकॉज यानी क्योंकि दे कंटेन सुगर, क्योंकि वे रखते हैं सुगर, यानी वे सुगर रखते हैं, उनके अंदर सुगर होती है इसलिए वो मीठे होते हैं। दे कंटेन सुगर, यस। सिट्रस जूसेज, यानी जो सिट्रस जूसेज, जो खट्टे जूस होते हैं, साइट्रस जूसेज, नींबू कुल के जो जूस होते हैं, टेस्ट सोर, यानी वो खट्टे होते हैं, उनका टेस्ट खट्टा होता है, सोर यानी खट्टा। जो साइट्रस जूसेज यानी नींबू कुल के जो जूस होते हैं, टेस्ट यानी उनका स्वाद होता है सोर यानी खट्टा, बिकॉज यानी क्योंकि दे कंटेन साइट्रिक एसिड, क्योंकि वो साइट्रिक एसिड उनमें होता है इसलिए वो सोर टेस्ट के होते हैं, खट्टे टेस्ट के होते हैं। एंड विटामिन सी, उनमें साइट्रिक एसिड होता है और विटामिन सी होता है इसलिए वो सोर होते हैं टेस्ट में। तो सभी जो फूड आइटम्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, और जो जूस, कुछ जूस जो मीठे होते हैं उनमें शुगर होता है, जो खट्टे जूस होते हैं उनमें विटामिन सी और साइट्रस एसिड होता है, ये हमने पढ़ा। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, जो फूड्स यानी भोजन के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो मुख्य अवयव है, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी हर भोजन में कुछ, हर फूड में कुछ कंपोनेंट्स तो होते ही हैं, कुछ चीजों से मिलकर के वो बनता है, तो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं जो आमतौर पर सभी फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है फूड आइटम्स में, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये मेन फूड कंपोनेंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये जो फूड कंपोनेंट जो होते हैं जिनसे फूड मिलकर के बना होता है, इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में पहले हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, यानी कौन जो फूड आइटम है वो किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, वो उसके कंपोनेंट्स हो गए। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के कोई भी फूड आइटम बनता है ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, इनको पोषक तत्व भी कहते हैं, तो कंपोनेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यहां पर एक डू यू नो बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं? आजकल नए प्रकार के फूड आ गए मार्केट में, डिब्बे में ऐसे फूड आते हैं जिनमें हर चीज ज्यादा मात्रा में होती है, यानी प्रोटीन भी ज्यादा होता है। कई ऐसे फूड होते हैं उनमें ज्यादा प्रोटीन है, कई ऐसे फूड है जिनमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, कई ऐसे फूड है जिनमें ज्यादा विटामिन है। तो ऐसे जो फूड होते हैं जो नेचुरल तरीके से फूड आइटम्स के अंदर जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे भी ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स रखने वाले फूड आ जाते हैं, आए हुए हैं मार्केट में, उनको फंक्शनल फूड कहते हैं। फंक्शनल फूड आर फूड, फंक्शनल फूड वो फूड हैं दैट प्रोवाइड, जो प्रदान करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी जरूरी पोषक तत्व, ऑफन यानी प्रायः बियॉन्ड क्वांटिटीज नेसेसरी, यानी आगे, बियॉन्ड यानी आगे या ज्यादा, क्वांटिटीज यानी मात्रा में, नेसेसरी यानी जरूरी होती है। जो क्वांटिटी नेसेसरी होती है, जो जरूरी क्वांटिटी है किसी भी न्यूट्रिएंट की, उससे भी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देने वाले जो फूड होते हैं वो फंक्शनल फूड कहलाते हैं। और ये क्या, किस लिए होते हैं ये ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स क्यों देते हैं? फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस, शरीर की साधारण रख रखाव के लिए, ग्रोथ यानी शरीर की वृद्धि के लिए, एंड डेवलपमेंट और विकास के लिए, एंड फॉर अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, और शरीर की जो दूसरी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उनके लिए, दैट इम्पार्ट, जो कि प्रदान करती है, ये सारी चीजें प्रदान करती है हेल्थ बेनिफिट्स यानी स्वास्थ्य के फायदे,
और डिजायरेबल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, और जो डिजायरेबल यानी चाही गई, जो हम चाहते हैं ऐसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी शारीरिक प्रभाव, ऐसी चीजों को देने के लिए जो ये फंक्शनल फूड होते हैं, ये ऐसी ऐसे फूड आते हैं मार्केट में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जितने चाहिए ना उससे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं चलती है उनको ज्यादा वो चीजें चल सके। इसलिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वाले फूड भी आते हैं जिनको फंक्शनल फूड कहते हैं। तो यहां पर एक टेबल दी गई है बहुत ही अच्छी, जिसमें दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के अवयव, भोजन में क्या क्या होता है, भोजन नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनको अपन कंपोनेंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं एक ही बात है, जैसा कि मैंने अभी बताई दिया था। यहां पर एक टेबल दी गई है जिसमें नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन एंड मिनरल्स है और प्रोटीन है, इनके नाम दिए गए हैं न्यूट्रिएंट्स के, और ये ब्रैकेट में दिया गया है कि इनको और क्या कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपना एनर्जी गिविंग फूड होता है, जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है हमारे शरीर को, ताकत देता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट्स जो होते हैं, जो तेल वगैरह, घी तेल, ये चिकनाई वाली जो चीजें होती है वो फैट्स कहलाती है, वो एनर्जी गिविंग फूड है। ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है। विटामिन एंड मिनरल से क्या मिलता है, प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं बीमारियों से, ये प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं विटामिन और मिनरल। और प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी शरीर के जो अंग बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, बाल है, नाखून है, या जो भी ऑर्गन्स है उनकी जो बिल्डिंग होती है, जो उनका बनने का तरीका है वो प्रोटीन से होता है। तो इनको इन नामों से भी जानते हैं, हमें ध्यान रखना होगा। एनर्जी गिविंग फूड कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। प्रोटेक्टिव फूड कौन है, विटामिन एंड मिनरल। और बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है प्रोटीन। अब ये करते क्या है, देखो इनके फंक्शंस दिए गए हैं सामने, इनके कार्य दिए गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, फैट क्या करता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रदान करता है, जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ ही है एनर्जी गिविंग फूड, ये एनर्जी देने वाले फूड हैं। तो इनका काम क्या है, इनका फंक्शन है प्रोवाइड एनर्जी, यानी एनर्जी प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो है प्रोवाइड एनर्जी, यानी एनर्जी प्रदान करना। और जैसा कि फैट्स में भी देखा हमने, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, तो इनका काम भी एनर्जी देना है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देते हैं, गिव मोर एनर्जी, ये ज्यादा एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ये ज्यादा एनर्जी देते हैं। तीसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन एंड मिनरल, ये क्या करते हैं, रिक्वायर्ड यानी इनकी जरूरत होती है फॉर नॉर्मल ग्रोथ, साधारण वृद्धि के लिए एंड डेवलपमेंट, और विकास के लिए हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होती रहे और डेवलपमेंट होता रहे, इसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। और प्रोटीन क्या करता है, हेल्प्स यानी मदद करता है इन बिल्डिंग यानी बनाने में एंड रिपेयर और मरम्मत करने में ऑफ द बॉडी, शरीर की। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी टेबल दी हुई है, जिसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से तो मेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो होते हैं और उनका काम क्या है अपनी बॉडी में। यहाँ पर एक असाइनमेंट दिया गया है, असाइनमेंट यानी होता है कार्य, किसी को भी जब अपन कोई कार्य सौंपते हैं उसको असाइनमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक असाइनमेंट है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। देखिए ये फाइव क्वेश्चंस तो मैं आपको दे ही चुका हूँ रिटर्न में, ये फाइव क्वेश्चंस जब कंप्लीट हो जाएं आपके, तो आप एक हेडिंग लगाएं असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट करें। इसमें क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड, फूड क्या है, भोजन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है फूड की, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में कहीं पर भी फूड की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन एक तैयार की है, वो लिखना है आपको। द फूड इज ए नेसेसरी थिंग, भोजन एक जरूरी चीज है, विच यानी जो कि रन यानी चलाती है, मेंटेन यानी बनाए रखती है, एंड ग्रो और बढ़ाती है अवर बॉडी यानी हमारे शरीर को। इट गिव्स, ये देता है अस यानी हमें एनर्जी, यहां पर ये अस है, आई नहीं है, ध्यान रखें आप इसको। इट गिव्स, ये देता है अस यानी हमें एनर्जी यानी ऊर्जा, टू डू करने के लिए द वेरियस एक्टिविटीज, कई प्रकार की प्रक्रियाएं। तो ये फूड होता है, फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, द फूड इज ए नेसेसरी थिंग, फूड एक जरूरी चीज है, विच रन मेंटेन एंड ग्रो अवर बॉडी, जो कि चलाती है, बनाए रखती है
और वृद्धि करती है हमारी बॉडी की। इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रदान करता है टू डू द वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करने के लिए। तो फूड क्या होता है ये हमने लिख दिया, इसके आंसर में आप ये लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये इसका आंसर यहां पर अपन ने अभी अभी पढ़ा है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, जो मेन कंपोनेंट्स है फूड के आर यानी है कार्बोहाइड्रेट्स कोमा प्रोटीन्स कोमा फैट्स कोमा विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये इसका आंसर है कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स से आपका क्या मतलब है, तो यहां पर अभी अभी अपने यही उत्तर इसका है, बस एक थोड़ा सा और इसमें ऐड हो जाएगा। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के, और फिर आगे लिखना है दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो भी हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर टू, शो यानी दिखाइए रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विविधता ऑफ फूड यानी भोजन की, भोजन की क्षेत्रीय विविधता दिखाइए ऑन इंडियाज मैप, इंडिया के मैप पर। तो इसमें आपको एक काम करना है, आपको मार्केट से एक इंडिया का मैप लेकर आना है, जो मैप एग्जाम में आपको देते हैं उस टाइप का एक मैप इंडिया का आपको लेके आना है, और उसमें जो और ऐसा मैप लाना है जिसमें स्टेट्स बने हुए हों, यानी ऐसा भी आता है जो बीच में से ब्लैंक आता है बिल्कुल खाली आता है, वो नहीं लाना है, ऐसा मैप लाना है इंडिया का जिसमें स्टेट्स बने हुए हों, राज्य बने हुए हों, और वो मैप ला करके आपको हर एक जो आपका जो मैप की बुक है आपकी, उसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के नेम्स लिखे हुए होंगे, तो आपको सारे स्टेट्स के नेम्स लिखने हैं, सारे नहीं तो आप ऐसा करें चलो 10 स्टेट्स के कोई भी जो आपको अच्छे लगते हों उसमें से 10 कोई भी स्टेट्स के नेम आपको पहले लिखने हैं उस मैप में। वो कहाँ से लिखने हैं, वो लिखने हैं आपको आपकी मैप की बुक, आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप मिल जाएगा आपको उसमें, तो इंडिया के पॉलिटिकल मैप की मैप में से आपको अपने वाले ब्लैंक मैप में कोई भी 10 राज्यों के नाम लिखने हैं, फिर उसके बाद में नेट से आपको सर्च करना है द रीजनल फूड ऑफ राजस्थान, तो उसमें लिखा हुआ जाएगा दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी जो भी है केर सांगरी की सब्जी, वो आपको फिर एरो लगा के राजस्थान के अंदर एरो लगा के उसकी तरफ बाहर की तरफ वो 2-3 चीजें लिख देनी है। फिर जैसे कोई दूसरा स्टेट आपने नेम लिखा है, मान लो लिख दिया आपने मध्य प्रदेश, तो फिर नेट पे आपको सर्च करना है द रीजनल फूड ऑफ मध्य प्रदेश, तो उसके रीजनल फूड आ जाएंगे, फिर उस मध्य प्रदेश में आपको एरो लगा करके और उसके बाहर की तरफ में अंदर नहीं लिखना, अंदर इतनी जगह नहीं होगी, इसीलिए आप रूलर का यूज करें, स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और बाहर की तरफ ले जाकर के एरो को, और वहां पर उसके रीजनल फूड 2-3 लिख दें, एक एक भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है दो 3-3 लिखें। तो 10 कोई भी स्टेट्स के नेम आपको लिखने हैं, नेम आप अंदर लिख सकते हैं, और हर एक उन 10 में से हर एक स्टेट का रीजनल फूड क्या है वो आपको सर्च करके उसमें लिखना है, और ये क्वेश्चन आपको लिखना है और ये आंसर के रूप में ये मैप इस तरह से फिल करके और वो पेस्ट करना है, चिपकाना है आपको इसके पास में। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड अप टू हियर टुडे, आज हमने यहाँ तक का जो वर्क है वो कम्प्लीट किया है। आई हैव गिवन यू टुडे फॉर रिटर्न वर्क, आज मैं आपको दे चुका हूँ रिटर्न वर्क के लिए दीज 5 क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट, और ये जो क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के, यू हैव टू कम्प्लीट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक इन ए गुड हैंड राइटिंग, डोंट फॉरगेट यू हैव टू डू एनी रिटर्न वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग, ये कभी नहीं भूलें कि हर एक जो वर्क है वो आपको अच्छी हैंड राइटिंग में करना है, एंड प्लीज ट्राई टू लर्न देम ऑल्सो, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।